इस क्वेश्चन में हमें गिवन है एक मैट्रिक्स ए इक्वल टू, ये आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, इसमें हमें वैल्यू फाइंड करनी है ए इनवर्स की। तो ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो आप जानते होंगे, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो ए इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू होनी चाहिए और मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू होनी चाहिए। तो एडजॉइंट ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इन दोनों का हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट करने की मैंने आपको एक सिंपल मेथड बताई थी, जो आपको मैट्रिक्स गिवन है तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, 5 - 2 - 4 - 2 - 1 - 1 और 4 - 1 और 0। इसके आपके जो लेफ्ट साइड के दो कॉलम हैं इनको एज इट इज आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये हो जाएगा आपका 5 - 2 - 4 और ये हो जाएगा -2 - 1 और 1। अब आपको ये सेंटर लाइन को छोड़ के ऊपर के जो दो एज इट इज रो हैं वो नीचे कॉपी करनी है। तो ये हो जाएगी 5 - 2 - 4 - 5 और - 2 और ये हो जाएगी -2 - 1 - 1 - 2 और 1। अब इसका आप सीधे सीधे एडजॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को सेपरेट करके। अब आप देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे आप, तो एडजॉइंट ऑफ ए की जो वैल्यू है वो आप यहां से निकाल सकते हैं। ये हो जाएगी आपके पास 1 × 0 - 1, यानी ये वैल्यू हो जाएगी -1। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 4 × 1 - 0, तो ये हो जाएगी आपके पास 4। इसमें एक रूल आपको याद रखना है, अगर आप रो में इसको सॉल्व करते जा रहे हैं तो यहाँ पे आपको वैल्यू कॉलम में लिखनी है। हम पहले इसको हमने सॉल्व किया तो वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी, फिर हमने यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो वैल्यू इसके नीचे आएगी, अब हम लास्ट वाले इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू इसके नीचे आएगी। तो लास्ट वाले को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -2 - 4 यानी -6। ऐसे ही आप इन एलिमेंट्स को सॉल्व करेंगे तो 4 × 1 हो जाएगा आपका 4 - 0, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास -16। सॉल्व हम ऐसे कर रहे हैं लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए में वैल्यू हम नीचे साइड लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास -16। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 × -2 यानी -8 और -5 -13। अब नीचे आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास -2 - 4 यानी -6 और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 4 × -2 यानी -8 -5 -13 और ये हो जाएगा आपके पास 5 - 4 यानी 1। तो ये आपने सीधे सीधे एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर ली है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए भी मैंने आपको कैलकुलेट करना बताया था, सीधे सीधे आपको मैट्रिक्स यहाँ पे लिखनी है। तो 5 - 2 - 4 - 2 - 1 - 1 - 4 - 1 और 0। अब ये सेंटर वाले कॉलम के जो लेफ्ट में एलिमेंट्स हैं, जो लेफ्ट में कॉलम है, उनको आपको एज इट इज लिखना है। तो 5 - 2 - 4 - 2 - 1 और 1, इसको अब आप सॉल्व कर सकते हैं, ये एलिमेंट्स इनका मल्टीप्लिकेशन लिखना है आपको, जो डाउन पार्ट मैंने एरो बनाया है। तो 5 × 1 × 0 हो जाएगा आपके पास 0, ये हो जाएगा 4 × -2 × 1 यानी -8 और ये हो जाएगा 4 × -2 तो -8। अब माइनस डाउनवर्ड एरोज, ये जो डाउनवर्ड एरोज हैं, तो 4 × 4 हो जाएगा आपके पास 16 प्लस 1 × 1 × 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास 0। तो यहाँ से आप मैग्नीट्यूड ऑफ ए इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा -16 - 21, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए की जो वैल्यू है वो आ जाएगी -37। आप चाहें तो एडजॉइंट ऑफ ए या मैग्नीट्यूड ऑफ ए किसी दूसरी मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इस मेथड से कैलकुलेट करना आपको बहुत ही आसान होगा अगर एक बार इसकी आपने प्रैक्टिस कर ली अच्छे से। तो जो ए इनवर्स होगा वो होता है आपका एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए की जो वैल्यू है वो हो जाएगी -1 - 4 - 6 - 4 - 16 - 13 - 6 - 13 और 1 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो -37।
ये आपका ए इनवर्स हो जाएगा यहाँ से। इस तरीके से आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं।